अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट जनवरी 17 को 70% खरीदे, फर्स्ट जनवरी 20 पे आके 10 और खरीद लिए, पहले ही एस था, अब वो एस थोड़ा और बड़ा हो गया। गुडविल कैलकुलेशन के लिए एक्विजिशन डेट, फर्स्ट जनवरी 17 और फर्स्ट जनवरी 20 पे गुडविल अपडेट करना है। गुडविल कैलकुलेट होती है कि जब कंट्रोल हासिल किया था तो उस वक्त क्या गुडविल थी, बस उसके बाद कंट्रोल नहीं मजीद है, कंट्रोल तो आ गया था, तो इसलिए गुडविल फर्स्ट जनवरी 17 पे ही होगी और बस उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगी, अपडेट नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल होता है या नहीं होता है, ज्यादा या थोड़ा कंट्रोल नहीं होता है, तो गुडविल सिर्फ इसलिए थी क्योंकि कंट्रोल हासिल हो गया था, तो वो हो गया था बस, तो गुडविल की कैलकुलेशन फर्स्ट जनवरी 17 पे और बस वो फर्स्ट जनवरी 17 ही होगी, अपडेट नहीं करेंगे। और अदर रिजर्व्स रिटेन अर्निंग में क्या करें, चूंकि अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स कमाए होते हैं तो एस के दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। इस फेज पे 70%, इस फेज पे 80%, रिटेन अर्निंग्स में भी और अदर रिजर्व में भी, ठीक है। गुडविल वही रहेगी फर्स्ट जनवरी 17 वाली, अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स एस के दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, इस पीरियड पे 70 लगाएंगे, इस पीरियड पे 80 लगाएंगे। क्या नहीं, मैंने ईयर नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट जनवरी 17, फर्स्ट जनवरी 20, 31 दिसंबर 20, इस दिन इतने शेयर खरीदे थे, इस दिन इतने और खरीद लिए, ड्यूरिंग द ईयर क्या है, यही बता रहा हूँ कि अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग जिस दौर 70 था उस दौर के प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग एज एट तो होती है लेकिन वो आखिरी दिन अचानक कमाई में प्रॉफिट थोड़ी होते हैं, एसेट्स का बैलेंस तो वाकई ही उस दिन का बैलेंस है लेकिन रिटेन अर्निंग का बैलेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, एसेट्स साल के एंड पे जो है हो सकता है वो सारे के सारे अभी खरीदे हों, जरूरी नहीं कि जद्दी पुश्ती चले आ रहे हैं, लेकिन रिटेन अर्निंग्स तो होती ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अचानक तो वो नहीं आए होंगे, ओवर द पीरियड बढ़ते 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 यहां तक पहुंचे होंगे, तो रिटेन अर्निंग्स और अदर रिजर्व दो कॉलम बनेंगे, इस हिस्से पे 70 लगेगा, इस हिस्से पे 80 लगेगा। गुडविल वही पुरानी वाली फर्स्ट जनवरी 17 वाली, अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में दो दो कॉलम 70-80 के हिसाब से, एनसीआई बैलेंस शीट डिस्कस कर रहा हूं मैं, एनसीआई। अच्छा, एनसीआई ईयर एंड पे क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रही होती है, एनसीआई ईयर एंड पे अभी इस वक्त इक्विटी में उनका कितना हिस्सा है, तो ईयर एंड पे तो 20 है, ईयर एंड पे तो 20 ही है, हां पहले उनका 30 होता था, पहले कभी होता था 30, ईयर एंड पे क्या है 20, तो एनसीआई 20 के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी, कैसे होगी वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है लेकिन मैं आपको वर्किंग से समझाऊंगा। पहली बात, गुडविल फर्स्ट जनवरी 17 पे कैलकुलेट होगी और अपडेट नहीं होगी क्योंकि कंट्रोल तभी आ गया था। दूसरी बात, अदर रिजर्व्स रिटेन अर्निंग एस के दो कॉलम टूटेंगे, इस पे 70, इस पे 80। अगली बात, एनसीआई का कॉन्सेप्ट है कि ईयर एंड पे मतलब बैलेंस शीट में जो नेट एसेट्स शो हो रहे हैं उसमें एनसीआई का हिस्सा कितना है, तो वो तो ईयर एंड की पोजिशन है, इसलिए एनसीआई 20% पे कैलकुलेट होगी। कैसे होगी वो बताता हूं वर्किंग, 20% पे होगी कैलकुलेट और एसेट्स लायबिलिटीज कंसोलिडेट होंगे। ये जो एनसीआई अब 20 है, पहले कितनी होती थी 30, तो 30 से 20 कैसे हुई, हमने कंट्रोल तो पहले हासिल कर लिया था, अब हम ये कहेंगे कि हमने एनसीआई वालों से 10% खरीद लिया,
पहले क्या था, हमने किसी और से 70% खरीदा था और अब हम स्टोरी में एंटर हुए थे। किसी से 70% खरीद के हमने अब एंट्री मारी थी और उस वक्त हम पी बन गए थे और बाकी 30% एनसीआई थे। अब हम स्टोरी का हिस्सा हैं। अब यहां 1 जनवरी 20 को हमने 10% और खरीद लिया किसी लोगों से, एनसीआई से। तो इस वक्त हम पी 70% होते थे, एनसीआई 30% होते थे, हम भी ओनर वो भी ओनर। अब हमने उन्हीं ओनर से उनका 10% खरीद लिया, तो इसको कहते हैं कि ये ओनर्स के दरमियान ही एक ट्रांजेक्शन है। और हमने उनका जो हिस्सा खरीदा उसके पैसे दिए होंगे, हो सकता है ज्यादा दिए हों, हो सकता है कम दिए हों। तो ये जो ज्यादा या कम दिए होंगे ये ऐसा कोई गेन नहीं है, क्योंकि ओनर्स आपस में बैठ के सेटल कर रहे हैं। ये जस्ट एक एडजस्ट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ गेन है, लेकिन असल में इसको गेन लॉस नहीं बोलते, ये ओनर्स के दरमियान ट्रांजेक्शन पे बस एक एडजस्टमेंट होती है क्या। लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ से तो वो ओनर्स ही है ना, एनसीआई भी तो ओनर, तभी तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आ रहे होते हैं, तभी तो इक्विटी में एनसीआई आ रहे होते हैं, वो ओनर्स ही होते हैं। ये बात फिर सुने, गुडविल 1 जनवरी 17 वाली, एस अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग 2 कॉलम 70-80, एनसीआई 20। एक कैलकुलेशन होगी उसको एडजस्टमेंट बिटवीन, एडजस्टमेंट फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन ओनर्स कहते हैं। वो ये कि एनसीआई वालों ने जो अपना 10% हिस्सा हमें बेचा उसके बदले हमने उनको पैसे दिए होंगे, तो उस पे कोई अगर गेन लॉस बन रहा है वो एक एडजस्टमेंट है, वो इक्विटी में एक एडजस्टमेंट है। आइए इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि इक्विटी बस। नहीं, मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं ना, मैं तो कंसोलिडेशन अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, उसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट दिखाए हम। हाँ, पी ने इंडिविजुअली पहले इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की हुई थी, फिर और इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली, मैं तो कंसोलिडेशन सिखा रहा हूं। तो आईएस में लिखा हुआ है कि ये जो एडजस्टमेंट है ये इक्विटी में करनी है। एसीसी की कुछ किताबों में ये अदर रिजर्व्स में शो होता था, रिटेन अर्निंग में भी हो सकता है, आईकैप के सॉल्यूशन में रिटेन अर्निंग में भी है, तो इसको अदर रिजर्व में भी कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग में भी कर सकते हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट होगी। इसको गेन लॉस कहने की बजाय बस एक एडजस्टमेंट कहेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, एनसीआई से 10% खरीदा, बदले में जितने पैसे दिए उनका डिफरेंस। ये आप चैप्टर में पेज 43 देख लें, जितना समझ आता है ठीक है, नहीं तो मैं सवाल करके तो समझा ही दूंगा। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट इसकी आसान है, वो भी जबानी सुन लें। इनकम स्टेटमेंट पूरे साल की नॉर्मल कंसोलिडेट होगी, क्योंकि चाहे कुछ महीने 70 था कुछ महीने 80 था, थी तो सब्सिडरी ना, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट नॉर्मली कंसोलिडेट होगी। बस एनसीआई का हिस्सा निकालते हुए प्रॉफिट फॉर द ईयर में कुछ महीनों पे 30, कुछ महीनों पे 20। पेज 43 सारा पढ़ लें, पेज 43 सारा पढ़ लें, इनमें से जितना समझ आता है, मैंने कोशिश तो की है प्रॉपर फार्मूले बना के बोल्ड करके ब्रैकेट में रेफरेंस करके, फिर भी जितना पढ़ के समझ आता है कर लें, फिर मैं सवाल करते हुए और समझा देता हूं। चैप्टर में पेज 43, हाँ जी। पॉइंट 1 बस एसेट्स लायबिलिटीज कंसोलिडेट करने को कहा है, पॉइंट 2 गुडविल यही जो पहली इन्वेस्टमेंट पे होगी, पॉइंट 3-4 ये जो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग के हिस्से करने हैं, पॉइंट 5 की अगर वर्किंग समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी सवाल करते हुए समझा देता हूँ।
और इसी तरह से एनसीआई है, वो भी सवाल करते हुए समझाता हूं। चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेज 100। ये जो मैंने अभी आपको अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग वाली बात की थी, 1 जुलाई 15, 1 जुलाई 17 और 30 जून 20। अदर रिजर्व्स 1 जुलाई 15 पे कितने? 1500, 4500, 7000। रिटेन अर्निंग्स वही होंगी, खैर 150 वही है, 3200, 8000, 58,000। ये पुराना एस है, ये नया एस है, तो पुराने एस के लिए ये और ये, नए एस के लिए ये और ये। चलिए यहां तक पहुंचे, फिर गुडविल करता हूं। जी यहां तक अगर नोट कर रहे हैं तो चले, गुडविल निकालनी है 1 जुलाई 15 के साथ, क्योंकि एक्विजिशन इसी दिन हो गई, तो फिर यही वाली चीजें यूज करनी है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट पार्ट सी, कितने शेयर्स खरीदे थे यानी 2800, कितने का खरीदा था? 15 का। उस दिन एनसीआई 1200 × 14, क्योंकि अब हम 1 जुलाई 15 की बात कर रहे हैं, 16800 और कैपिटल हो गया 40,000। 1 जुलाई 15 की बात कर रहे हैं तो अदर रिजर्व्स 1500 और रिटेन अर्निंग्स 3200। डबल फोर 700
14,100, 14,10, 12,690. ये इंपेयरमेंट लॉस एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, इसलिए एस कॉलम में से माइनस करना है। कौन से वाले? एस के तो दो हैं, पुराने से क्यों? अच्छा तो जहां मर्जी करने है, होल्ड करें। इंपेयरमेंट हो कब रही है? अगर ये इंपेयरमेंट हुई होती 2016 में कहीं, तो जरूर हम ओल्ड कॉलम में करते। ये 2020 में हो रही है, तो 20 में तो नया एस चल रहा था, इसलिए नए एस में होगी। ठीक है, गुडविल पुराने एस की है, लेकिन लॉस है ही 20 में। तो ये जो कॉलम बनाए हुए है, इस कॉलम के तो टोटल रेंज ही 1 जुलाई 15 से 1 जुलाई 17 है, तो इसमें 20 वाला एक्सपेंस कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो इसलिए इधर गुडविल की वर्किंग डन, वो एडजस्टमेंट वाली वर्किंग सिखाता हूं। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी शायद। अच्छा, और भी कोई एडजस्टमेंट होती ना तो पहले वो कर लेनी है। यानी अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो जिस रिस्पेक्टिव पीरियड की बनती है उस कॉलम में करनी है। जैसे इसमें है नहीं, लेकिन माल अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती तो उसकी एक्स्ट्रा डेप्शन कहां चार्ज करते? इन 2 साल की इस कॉलम में और इन 3 साल की इस कॉलम में, क्योंकि हमने रिटेन अर्निंग्स एक रेंज की बनानी है। गुडविल यही है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी यही की है, तो एक्स्ट्रा डेप्शन तो इसी दिन से चलानी है। लेकिन इस पीरियड की एक्स्ट्रा डेप्शन इस कॉलम से, इस पीरियड की एक्स्ट्रा डेप्शन इस कॉलम से। यूआरपी, यूआरपी तो अभी पड़े हुए पे होता है भाई, तो वो न्यू पे होगा। तो अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं, पहले वो सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, उसके बाद ये जो मैंने ओनरशिप की एडजस्टमेंट कही है, सबसे आखिर में ये काम होगा। एडजस्टमेंट्स कोई नहीं थी तो ये कॉलम तो बंद कर सकते हैं हम। ये 3000, ये 2500, ये 40। क्या करने लगा था? हाँ जी, जो पहली 70% इन्वेस्टमेंट थी वो तो कुछ लोगों से खरीदी थी, लेकिन अब जो मजीद 10% खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं? एनसीआई से। जिस तरह एसोसिएट में किया था ना, कि एसोसिएट बेच रहा था, पिछले सिनेरियो में एसोसिएट बेच रहे थे हम, तो प्रॉफिट निकाल रहे थे कैसे? अभी पहले जो किया था यार सिनेरियो भी, कि उस वक्त अगर एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकलती तो वो क्या होती? हम एनसीआई से 10% खरीद रहे हैं, तो पहले हम ये देखेंगे कि उस वक्त एनसीआई होती तो क्या होती। यानी अगर वो बैलेंस शीट डेट होती, वो कौन सी? 1 जुलाई 17। अगर उस दिन बैलेंस शीट बन रही होती तो एनसीआई उस दिन कितनी होती? इक्विटी मेथड लगा, नहीं अभी सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर उस वक्त बैलेंस शीट बन रही होती तो उस वक्त एनसीआई कितनी होती, कैसे करेंगे कैलकुलेट? यानी आप उस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं, एनसीआई की वर्किंग कर रहे हैं, क्या करूं? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है ना, जो के 16,800 है, लेस अदर रिजर्व्स में एनसीआई। मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त हम एनसीआई वालों से 10% और खरीद रहे हैं, अगर उस वक्त बैलेंस शीट बनती
तो उस बैलेंस शीट में एनसीआई की वैल्यू क्या निकलती है, ये कह रहा हूं। 1 जुलाई 17 पे चलते हैं, एनसीआई की वर्किंग करते हैं बैलेंस शीट की, क्या करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, अदर रिजर्व क्या करूं 3000 ना, उस वक्त ये था, उस मौके पे ये पोजीशन थी, इसमें एनसीआई का हिस्सा नहीं भी परसेंट नहीं लगा था और रिटेन अर्निंग इधर इधर अगर उस वक्त एनसीआई कैलकुलेट करते तो ऐसे करते, मैंने भी मल्टीप्लाई नहीं किया इनटू 20 या 30, बस मैंने सिर्फ ये वैल्यूज बताई आपको, उस वक्त अगर एनसीआई कैलकुलेट करते तो ये कैलकुलेट करते। हम इसमें से एनसीआई वालों से क्या ले रहे हैं 10%, ये 30% एनसीआई की वैल्यू थी, 10 की क्या होती 10/30 यूनिटरी मेथड, इतनी एनसीआई हम खरीदे, इतना हम एनसीआई से माल खरीदे। अगर 1 जुलाई 17 बैलेंस शीट बनाए तो एनसीआई की वर्किंग ये करते उस दिन तक, यानी पुराने एस वाले कॉलम्स को यूज करना, अदर रिजर्व्स के भी, रिटेन अर्निंग के भी, पुराने एस वाले कॉलम्स, इसलिए मैं कह रहा था कि पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे, हो सकता है इधर कोई एक्स्ट्रा डेबिट डलनी होती, हो सकता है कोई गुडविल की इंपेयरमेंट डलनी होती, पहले ये वर्किंग्स पूरी कर लेंगे, फिर ओल्ड वाले कॉलम्स की फिगर लेनी है कि उस दिन अगर एनसीआई निकालते तो वो इनमें एनसीआई का हिस्सा होता और हम 10 ले रहे हैं, यानी हम ये चीज ले रहे हैं, ये एनसीआई की ही वैल्यू थी ये, लेकिन एनसीआई पहले कितने परसेंट थी, तो 30 ये थी तो 10 क्या होगी, और इनमें एनसीआई 10% जो मिलना था वो हम ले रहे हैं, ये क्या बना 5600, ये 300, ये 480। एनसीआई से हम इतना खरीद रहे हैं 6380, इसको मैं कह देता हूं डिक्रीज इन एनसीआई, डिक्रीज के इंक्रीज, हाँ क्योंकि एनसीआई वालों से हम ये सामान खरीद रहे हैं। अच्छा कितने का खरीद रहे हैं, कितने का खरीदा, कितने का खरीदा, जितने उस दिन पैसे दिए, उस दिन उनको कितने पैसे दिए, सी में लिखा हुआ है पार्ट सी में, मार्केट प्राइस पे यानी 16 रुपए पे खरीदे, तो इनको जो हमने कैश पे किया वो किया 400 शेयर्स 16 रुपए के, कितना 20। अच्छा अब ये गुडविल शुडविल नहीं, गेन लॉस कॉन्टेक्स्ट में सोचें, हमने ज्यादा पैसे दिए तो ये लॉस, यानी इसको आप एक नेगेटिव फिगर ले लें, उनकी औकात से ज्यादा पैसे दिए ना तो लॉस टाइप चीज होगी। ये फिगर्स कैसे निकाली, उस दिन अगर बैलेंस शीट बनती तो आप एनसीआई की फिगर्स क्या लेते, ये वो फिगर्स लिखी, लेकिन हम एनसीआई से कितना ले रहे हैं तो ये उन 10 की वर्थ लिखी है मैंने। कौन सी एडजस्टमेंट सोचे बगैर, कौन सी एडजस्टमेंट सोचे बगैर, यानी उस दिन हम एनसीआई की वैल्यू निकाल लें और उसको 10/30 कर लें। हाँ ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप उस दिन एनसीआई की वर्किंग ही कर लें, यानी 16800, 3000 का 30%, 4800 का 30%, एनसीआई निकल आई उसको 10/30 कर लें। हैं चलिए वैसे कर लें, जिस साल दौरा आप क्या 1 जुलाई की बजाय 18 अगस्त कर लें शाम 3:30 बजे, उस दिन की रिटेन अर्निंग दी होंगी ना, उस दिन की रिटेन अर्निंग दी होंगी ना, तो बस उस दिन वाली रिटेन अर्निंग ली हमने। ये जो दूसरा तरीका बताया ठीक है अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये आसान लगे ऐसे कर लें, ये मैंने सिर्फ ये किया है कि जो उसकी फेयर वैल्यू थी उस पे यूनिटी लगाया और इन पे वो लगा दिया जो हम ले रहे हैं, ऐसे करना है ऐसे कर लें, या अभी एक स्टूडेंट ने बताया वो भी सुन लें कि आप उस दिन एनसीआई की वर्किंग करें, उस दिन जो एनसीआई 30% थी एनसीआई निकाल लें, अब जो आंसर निकले उसको 30 से 10 पे ले जाए तो ठीक है ऐसे कर लें। ये नेगेटिव क्यों,
क्योंकि हमें ज्यादा पैसे देने पड़े, तो ये नेगेटिव, यानी एक लॉस टाइप चीज हो गई है। तो इस 20 को हम अदर रिजर्व में नेगेटिव दिखा सकते हैं, वो भी सही है, रिटेन अर्निंग में दिखा सकते हैं, वो भी सही है। और ये शेयर्स ले लेते हैं 3000 पे 70 और 2500 पे 80, 2100 और 2000, 13 4848 पे 70 और 48590 पे 80, 3360 38872, तो ये हो गया टोटल 116232। NCI 20 या 30-20, बस 20, किस पे 20? इस पे क्योंकि इसमें तो 20 है, इसमें 30 था लेकिन 10 उनको दे दिया वहां, तो इस पे भी 20 है। देखें इस पे तो 20 ही है, इस पे 30 बनता था लेकिन हमने 10 एनसीआई वालों से ले लिया और उसकी एडजस्टमेंट कर ली, तो इसलिए उस पे भी 20। और रिटेन अर्निंग्स ये क्या 16800 तो 30 था, इसको 20 कर लेते हैं 11200
दोनों ये भी वो भी इन्वेस्टमेंट थी, ये भी इन्वेस्टमेंट, 42 भी, ये दोनों ही इसकी एस में इन्वेस्टमेंट है, ये और ये। हाँ जी, सवाल डन। एक सवाल होमवर्क कराएंगे तो अच्छा होगा। मास्टर क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट वाला, मास्टर क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट वाला आप कर लें ट्राई। ये कम है और दे दूं। जी फिर कब कर रहे हैं? ये 5500, ये 5500, ये मैंने इन दोनों को लिया है। अच्छा चलो छोड़े, एनसीआई जब पहली दफा एनसीआई बनी थी वहां से लेके अब तक 20 लगा रहे हैं स्ट्रेट, इस पे तो नहीं अतराज, मतलब 30 और 20 की जगह पूरा 20 लगा रहे हैं ये, ठीक है। पहले दिन एनसीआई अदर रिजर्व्स कितने थे? 1500। आज कितने हैं? 7000। 7000 में से 1500 माइनस कर लो 5500, यानी पहले दिन कंट्रोल से लेके आज बैलेंस शीट तक ये सब पोस्ट है, इन पे 5500 पे। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज 100 पे ये जो भी सवाल कर रहे थे, इसके आगे मैंने इनकम स्टेटमेंट का सवाल बनाया है, लेकिन इसमें ना ये एक्स्ट्रा डेप्शन अच्छी एडजस्टमेंट है रेलिवेंट पोर्शन में, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 4800 लेनी है कि 4400 लेनी है, ये भी अच्छी बात, ध्यान करने वाली बात है। तो यही पेज 100 के ऊपर जो मैंने मास्टर क्वेश्चन एसओसीआई बनाया हुआ है, ये आप कर लें संडे को किया हो। संडे को ना मैं स्टेप एक्विजिशन का पास पेपर का और सवाल कराऊंगा, और एक करा दूंगा बोर्ड पे, एक होमवर्क दे दूंगा, और फिर डिस्पोजल कराता हूँ शुरू। स्टेप एक्विजिशन डन। पी और एस
मेरे ख्याल में तो वो सब्सिडियरी ही है, हाँ, क्योंकि दोनों का मिला के देखना है शेयर, वो तो 100% है, तो इसी मेरे ख्याल में सब्सिडियरी है। तो ग्रुप ऑन्टा वैसे एसोसिएट है, यानी इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, अगर 15-15 इन्वेस्ट कर रहे हैं पीओरएस, तो वो ग्रुप ऑन्टा वैसे इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट में आएगा। बस वो जो शेयर 30 लगना था, 15 एस के कॉलम में, 15 पी के कॉलम में, बाकी वो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट आएगा। यानी इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट वाली वर्किंग वही 30 के हिसाब से होगी, लेकिन जो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में ऐड करना है, 15 एस के कॉलम में, 15 पी के कॉलम में। दोस्त हो स्कूल का, कॉलेज का, और अब वो आउट ऑफ कंट्री हो, पहले बहुत अच्छा दोस्त था लेकिन अब आउट ऑफ कंट्री है और उससे कांटेक्ट नहीं है, तो खत्म दोस्ती, दोस्ती खत्म। मतलब वो जो अच्छी दोस्ती थी, जज्बात थे कि दोस्त है, खुशी में शेयर करें, या कोई मुश्किल में है तो मशवरा करें, दुख शेयर करें, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्री है ना, तो खत्म दोस्ती, कॉन्टेक्ट नहीं रहा। ऐसे ही होता है, नहीं अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उसको आइडिया हो जाएगा, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद नहीं होगा आइडिया। हाँ, मैं अपने मतलब मेल दोस्त की बात सही जेन्युइन, अगर तीन दोस्तों का ग्रुप था और तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, उनमें से एक आउट ऑफ कंट्री चला गया और उससे कॉन्टेक्ट नहीं है सच, लेकिन दो दोस्त बाकी वो आपस में जब भी बैठते हैं तो उसका जिक्र करते रहते हैं, अब तीसरा दोस्त इन है, यानी अब उसका बेशक जिक्र हो रहा है सिर्फ, लेकिन वो अलाइव रहेगा, और जब भी कभी गैदरिंग होती तो शायद उतनी ही फ्रैंकनेस के साथ ही मिल रहे होंगे तीनों, क्योंकि अब बेशक वो गैर मौजूद था लेकिन उसकी डिस्कशन ने उसको अलाइव रखा। ये भी शायद कभी किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो ऐसा, मुझे है, इसलिए मैं इस चीज की मिसाल समझ के दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये जो आर्टिकल्स में या पढ़ाई में दोस्त है ना, प्रोफेशनल लाइफ में जाके बहुत कम हो जाएगा मिलना आपका, और अगर कोई मुल्क से बाहर ही चला गया फिर तो तकरीबन खत्म ही हो जाएगी बात, लेकिन अगर एक ग्रुप था और जो मुल्क से बाहर है उसका जिक्र फिर भी रहता है, गीबतों में नहीं कह रहा, यानी ऐसी अच्छा वक्त याद करके, तो वो फिर भी अलाइव रहेगा। यानी अगर तो कॉन्टेक्ट में है बहुत अच्छी बात है, कॉन्टेक्ट में नहीं भी है लेकिन आपस में जिक्र है फिर भी अलाइव है, लेकिन अगर जिक्र भी खत्म तो फिर खत्म। अच्छा जी, एक और मिसाल बताता हूँ। एग्जाम में बैठे हैं आप और एक दो दिन पहले तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक टॉपिक रिवाइज करते 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 रह गए, और इसलिए रह गए क्योंकि टाइम जाया करने लग गए थे मोबाइल उठा के, अब पेपर में बैठे हैं और पहला सवाल वही आ गया। अच्छा, एक जज्बात है कि वो सवाल पेपर में आ रहा है जो आपने तैयार किया ही नहीं ना, वो भी नहीं आता, और एक सिनेरियो है कि वो सवाल जो आप परसों करने लगे थे और टाइम जाया कर दिया था वो पेपर में आ गया, तो दोनों में सेम फीलिंग है? नहीं, पहले में सिर्फ दुख है, दूसरे में दुख के साथ साथ पछतावा भी है कि कर सकते थे, अब वो चूंकि टाइम गुजर गया तो उसका पछतावा हो रहा होगा। अबू दाऊद 4855। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी मजलिस से, मतलब गैदरिंग, किसी मजलिस से अल्लाह ताला का जिक्र किए बगैर उठ जाते हैं,
तो वो ऐसे ही हैं जैसे वो किसी मुर्दार गधे के पास से उठे हों। अच्छा, मुर्दार गधे की ये समझने के लिए मिसाल अगर आप ऐसे समझ लें कि अगर आप जा रहे हैं कहीं रस्ते में और कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई मोटरसाइकिल वाला या रक्षे वाला जख्मी हो जाता है, इंसानियत है अंदर अगर, तो एक घबराहट होगी, एक फिक्र होगी, एक दुख होगा, उसको कंसोल करेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर एक्सीडेंट हुई और डेथ हो जाती है तो फिर और दुख होगा, और उसके बाद फिर आप हो सकता है कुछ देर उसकी मैयत के पास बैठे हैं भी, या इवन के अगर जनाजों में जाते हैं तो भी मैयत के पास बैठ के थोड़ा दुख फीलिंग हो रही होती है और डिस्कशन हो रही होती है। लेकिन अगर सड़क पर कोई मरा हुआ गधा पड़ा और आप दो दोस्त उसके पास बैठ गए हैं और बैठे उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा गधा था तो यूजलेस काम कर रहे हैं आप, मतलब यूजलेस काम है कि मरे हुए गधे के पास बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, गधा मर गया। तो यानी ये मिसाल है कि इतना फजूल टाइम, इतना यूजलेस टाइम, जो लोग किसी मजलिस से अल्लाह ताला का जिक्र किए बगैर उठ जाते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे वो किसी मुर्दार गधे के पास से उठे हों, और ये मजलिस उनके लिए क्यामत के रोज हसरत का बाइस होगी। अच्छा, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझा जा सकता है जो मुझे समझ आ रही है कि चूंकि वो टाइम जाया हो गया और क्यामत के दिन नेकियों की शिद्दत